अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। हमारे YouTube चैनल में आप तमाम हज़रात का तहे दिल से खैर मकदम है। आज हम आपके लिए बहुत ही पावरफुल तावीज़, बहुत ही अच्छा तावीज़ आप हज़रात की खिदमत में लेकर हाजिर हैं। मकान की हिफाजत के लिए अमन, मकान की हिफाजत के लिए आप हजरात के लिए लेकर हाजिर हैं। तरकीब, जिस मकान में जिन हो या शैतान का बसेरा हो और भूत प्रेत चुड़ैल बहुत सारी चीज़ें डराती हो, तो इस तावीज़ को लिखकर एक पटे पर चिपका कर और उसमें दो सुराख करके उनमें डोरे डालकर एक कील ठोक कर उसमें उसे लटका दें। अल्लाह ने चाहा तो हर बला से बचा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। तो नक्श आपको बता देता हूँ कि आपको जो है वो नक्श किस तरह से बनाना है। तो आप एक सफ़ेद पेपर ले लीजिए और इस नक्श को जो है वो सही तरह से बना लीजिए। चलिए बताते हैं किस तरह से आपको ये बनाना है। इस तरह से आपको ये बॉक्स बना लेना है, यानी ये बॉक्स बनाकर आपको तैयार कर लेना है। इस चीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना है और आपको देख लेना है ये तावीज़ जो है वो किस तरह से बनाना है। तो चलिए बताते हैं आपको किस तरह से भरना है। ये नक्श है शाह, इस तरह से आपको लिखना है। फिर आपको लिखना है इसमें फिरौन हामान। ये देख लीजिए आपको किस तरह से भरना है, अशैतान फिरौन हामान, ये आपको यहाँ पर भर लेना है। फिर अगले स्टेप की तरफ आते हैं। यहाँ आपको लिखना है आ या बुद्धू, फिर यहाँ पे आपको लिखना है या बा दा। दू ता, इसको देख लीजिए किस तरह से हमने बनाया। चलिए आगे या ये हमको यहाँ पर 7 मरतबा लिखना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमको 7 मरतबा लिखना है। लिखना है सा ला सा ला सा ला, इसको सही करके अपने दिमाग में जो है वो बिठा लेना है। फिर लिखना है सा ला सा ला, इस तरह से हमको लिखना है। इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मरतबा लिखना है। तो गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो ये आपको 16 मरतबा लिखना है सा ला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मरतबा लिख लेना है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। फिर नीचे लिखना है हा हा
हाँ, ये हमको इसमें 7 मरतबा लिखना है, 1 2 3 4 5 6, ये 7 मरतबा इसमें लिख लेना है। फिर यहाँ देखिए हमको लिखना है यहाँ पर फिरौन, फिरौन, हामान, शैतान, इस तरह से यहाँ पर भी फिरौन, हामान, शैतान। चलिए हमारा तावीज बनकर तैयार हो गया, इसको आप देख लीजिए, आ शा शा या ता आन, यानी अश्शैतान, फिरौन, हामान, आ या बुद्दू, या बा दा दा ऊ की मात्रा हा ता, इस तरह से लिखना है। फिर यहाँ 7 मरतबा या 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 या, यहाँ 16 मरतबा सा ला, इस तरह से आपको यहाँ पे ये फिल करना है। 7 मरतबा आपको हा बनाना है, हा हा हा, इस तरह से 7 मरतबा लिखना है यहाँ पे, फिरौन, हामान, शैतान, फिरौन, हामान, शैतान, इस तरह से आपको ये बना लेना है। तो आपके मकान में जो भी जिन्नात या शैतान वगैरह का असर होगा तो इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चाहा तो वो ख़त्म हो जाएगा। चलिए इसका तरीका आपको बताते हैं, लिख पटे पर लिखना है, यानी एक पटे पर लिखकर लिखकर चिपकाना है, चिपकाकर उसमें 2 सुराख करने हैं, उन दोनों सुराखों में जो है आपको धागा डाल लेना है, धागा डालकर एक कील पर उसको लटका देना है। यानी आप देख लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, एक पटा लेना है और तावीज लिख कर उसको चिपका देना है, और पटे में जो है वो 2 सुराख कर लेने, यानी ये आपका जो पटा है इस पर ये तावीज चिपका दीजिए, इसमें 2 सुराख कर लीजिए और इनमें धागा डाल के आपको इसको जो है वो लटका देना है। अल्लाह ने चाहा तो हर बला से बचा रहेगा। हर बला और शैतान से महफूज रहेगा। इंशाअल्लाह ताला तो इसको बना लेना है। इसका शूट आउट जो मैं है वो आपको वीडियो के आखिर में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसको जो है वो लिख भी सकते हैं। तो मकान में जिन और शैतान का बसेरा हो तो इंशाअल्लाह ताला फायदा ही फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। तो आपको ये बना लेना है और ये तरीका जो है मैंने आपको बता दिया। तो बस यही है आज की वीडियो में, बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप हज़रात को वीडियो पसंद आएगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।